कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को पार्टी ने दंतेवाड़ा से टिकट दिया था, जिससे देवती के बेटे छबिंद्र कर्मा नाराज हो गए थे और निर्दलीय पर्चा भर दिया था। शुक्रवार को हुए नाटकीय घटनाक्रम में छबिंद्र ने नाम वापस लेने और निर्दलीय नहीं लड़ने का फैसला लिया है। देवती कर्मा की समझाइश के बाद छबिंद्र उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मां के खिलाफ बेटे के खड़े हो जाने से कांग्रेस के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई थी, लेकिन अब छबिंद्र के मान जाने के बाद कांग्रेसियों ने राहत की सांस ली है। अब दंतेवाड़ा विधानसभा में कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यकर्ता कर्मा जी के जो शुरू से कर्मा जी का नहीं आए दारा बड़ा बोटा मांझी सबसे है वो कार्यकर्ता, वो बना के गए, उसके बाद कर्मा जी बनाते बनाते आज वो जनता के लिए शहीद हो गए। वो जनता को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और आज भी रहेंगे साथ में, मरेंगे भी साथ में। कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि हम लोग माँ के खिलाफ नहीं, पहले भी मेरी जिद थी और पहले भी मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई माँ से कभी भी नहीं रही, हमारी लड़ाई उनसे रही है जो इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं।